हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मी सुषमा धस्माना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नान की रेसिपी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ एज ऑलवेज बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ। और ये जो नान है ना, ये मुंह में जाके एकदम से घुल जाते हैं, खींचते बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जब भी घर पर शाही पनीर, कढ़ाई पनीर या चाप वगैरह बनाती हूँ तो नान घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आई होप कि आपको भी मेरी ये नान की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं नान बनाने का प्रोसीजर। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में हम डाल लेंगे मैदा। तो यहाँ पर लगभग मैं 1/2 kg के करीब मैदा ले रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच पाउडर शुगर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने गरम पानी लिया है। गरम मीन्स मैंने गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गरम कर लिया है पानी को। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस पानी से अभी हमें इस मैदे को गूंदना है। तो देखिए, इसे पहले सारा एक तरफ कर लेंगे और एक तरफ से हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। गरम पानी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे क्या होता है कि अभी ना सर्दियों का टाइम चल रहा है और हमें इसे ना पूरा 2 घंटा रेस्ट करने के लिए रखना है। तो अभी 7 बज रहे हैं, 9 बजे मुझे नान बनानी है। तो गरम पानी लेंगे ना हम तो ये अच्छे से जो है ये जल्दी से फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए, इसे इस तरह से हम गूंद लेंगे और ना इतनी सॉफ्ट नान बनके तैयार होती है ना। जो बाजार की नान होती है ना, वो खाने में ऐसे चप चप होती हैं। ये बहुत ही इजीली खाई जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए, नान का जो आटा है वो हमारा लगकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए, इसको एकदम सॉफ्ट गूंदना है, टाइट हमें नहीं गूंदना है। ये देखिए, इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो ये कैसे वापस से ऊपर फूल कर ऊपर आ रहा है। और अभी ना 2 घंटे में अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, या तो किसी बर्तन में रख लीजिए या इसी परात में रख के इसके ऊपर कोई बर्तन रख के इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे ताकि इसके अंदर हवा पास ना हो पाए। नान के आटे को ना इस तरह से मैं इस बर्तन इस डोंगे में रख के और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। इसे अच्छे से कवर करके अब 2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। अगर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इसे आटे के ड्रम में रख दें ताकि ये अच्छे से जल्दी से फर्मेंट हो जाए। ये देखिए, ये हमारे आटे को 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे ना आटे के ड्रम में रख दिया था। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, तो अब हम इसकी बनानी स्टार्ट करेंगे नान। ये देखिए, थोड़ा सा आटा लेंगे, इसको इस तरह से पेड़ा बनाएंगे एक। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ले लिया है पानी नान में लगाने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से बेलेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से लंबा नान के शेप में बेल लिया है। और अब इसमें हम पानी लगाएंगे। ये देखिए, और तवा हमारा गरम है तो इसको ये जो ये वाली साइड है इसे हम तवा पर उल्टी डालेंगे। देखिए, इसे इस तरह से तवे पर डाल देंगे। ये देखिए, इसमें साइड्स में यहाँ पर बबल्स आने लगे हैं। इसे अच्छी तरह से पकने देंगे पहले एक साइड से। अब इसे तवे को उठाएंगे और नान को ना इस तरह से हमें आँच के ऊपर रखना है और तवे को ना हम घुमाते रहेंगे। ये देखिए, ताकि नान जो है ना हर तरफ से इक्वली परफेक्टली पक जाए। ये देखिए, इस तरह से
पकौड़े को इस तरह से उल्टा कर देंगे, पूरा इसमें घुमाएंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से नान हमारा बेक हुआ है। और अगर ना आप इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, ये देखिए पहले मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, देखिए कितना परफेक्टली सिका है ये हमारा नान। तो इसे ना अगर ज़्यादा क्रिस्पी आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपके ऊपर रख के इस तरह से थोड़ा सा और सेक लीजिए। देखिए इसमें हम लगा देंगे ऊपर से शुद्ध देसी घी, बटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी घी लगा रही हूँ। इसमें अच्छे से लगा लेंगे इसमें घी, और इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया स्प्रेड कर देंगे अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये देखिए कितना परफेक्ट नान हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। तो ये देखिए थाली में यहाँ पर सब्जियाँ मैंने पहले से परोस कर रखी थी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ग्रीन चटनी विद लच्छेदार प्याज और नान। ये देखिए मैं आपको ये नान ना तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए किस तरह से टूट रहा है। ये देखिए टू गुड। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन हिट करें, मैं फिर लेकर आऊंगी आपके लिए और भी मजेदार सी रेसिपीज। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। बाय बाय।